दोस्तों जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो होती है, लेकिन उससे पहले मेरा नाम तो जान लीजिए। मेरा नाम है अमित तो, और आप देख रहे हो एक के मास्टर पॉइंट। काफी दिन में ये बोल रहा हूँ, तो एक और बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं जो आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, फोटो एडिटिंग एप्स, वो काफी कमाल के हैं। कमाल तो सभी करते हैं, बट हम कुछ अलग करेंगे यार, जो कि नॉर्मली से क्या बात होती है। पिक्सआर्ट, पिक्सलैब, नहीं ये तो छोड़िए, पिक्सआर्ट एंड और भी कुछ फोटो एडिटर होते हैं जो कि सब लोग यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल चला रहे और कुछ यूनिक नहीं कर रहे, तो फिर क्या मतलब है। यूनिक फोटो एडिटर लिया आया हूँ, तो चलिए पहला जो फर्स्ट एप्लीकेशन आता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसमें से आपको कुछ पसंद आएंगे और कुछ पसंद नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट या फिर उसमें बीच में कहीं भी आपको बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिल सकता है आपकी पसंद के हिसाब से, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज करना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है फोटो एडिटर प्रो। तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक फोटो एडिटर ऐप्स है। जो मेन बात आती है, इसमें काफी अच्छे इफेक्ट मिल जाते हैं, 200 के करीब में इफेक्ट मिलते हैं आपको, 200 के करीबन 200 इफेक्ट होते हैं। एंड इसमें चेंज बैकग्राउंड कर सकते हो आप अपने बैकग्राउंड को, फोटो के बैकग्राउंड, जैसे कि आपके पीछे कोई बेकार सब कुछ भी हो उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है फोटो एडिटर। और सबसे ज़रूरी बात, इसकी MB साइज 17 MB की है। एंड इसमें आप फोटो कोलेज कर सकते हो, यानी कि आपके 10 फोटो को एक साथ मिला सकते हो, या फिर 2-3 फोटो को भी एक साथ मिला सकते हो। रिमूव ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे साथ कुछ इस तरह का एक बंदा खड़ा है, बाद फालतू कुछ भी कर रहा हो, तो उसको भी आप हटा सकते हो और बाकी बैकग्राउंड को रख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फेस रिटच का ऑप्शन मिलता है, अगर आपके फेस पे कोई दाग धब्बे हैं तो उनको भी आप ठीक कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ब्लर हो जाएगा, टोटल DSLR जैसे। तो एंड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी HD क्वालिटी में आपका फोटो सेव होगा गैलरी में। ये एप्लीकेशन आप ज़रूर ट्राई करना, 17 MB की साइज है, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है फोटो एडिटर, वो आपके फोटो में जान डाल देगी। कैसे पता है, आप तो एक फोटो खींचोगे, लेकिन अगर आपके पीछे कुछ भी है, जैसे कि स्काई है या फिर आसमान है, आसमान को स्काई कहते हैं, तो आसमान है उसमें जो बादल होते हैं, या फिर आपके पीछे कोई पानी का झरना है, नॉर्मली आपने एक बैकग्राउंड लगा दिया, तो इस फोटो की मदद से आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसमें फोटो में जान डाल सकते हो आप। कैसे, अगर उस पर आप कुछ भी लाओगे तो वो फोटो जो बैकग्राउंड में झरना होगा वो चलने लगेगा ऑटोमेटिक, उसके पानी चलने लगेगा, आप तो कहीं नहीं जाओगे लेकिन ये फोटो चलने लगेगा। अगर इसमें क्या क्या इफेक्ट मिलते हैं आपको, यहाँ पर आप तितलियाँ होती है उनको भी उड़ा सकते हो, धूल भी उड़ा सकते हो। एंड आपको यहाँ कहने का मतलब है, आपका फोटो को आप GIF में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें इफेक्ट चलते फिरते मिलते हैं जिन्हें GIF फोटो के रूप में आप सेट कर सकते हो, एंड शेयर भी कर सकते हो, एंड अपनी गैलरी में भी सेव कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो काफी कमाल की है, क्योंकि किसी किसी बंदे को शौक होता है कि अपने फोटो को कार्टून में चेंज करना। तो अगर आप भी अपने फोटो को कार्टून में चेंज करना चाहते हो, तो एक एप्लीकेशन का नाम है, जिसका नाम है कॉमिक्स कार्टून मेकर। इस तरीके से आप प्ले स्टोर पर सर्च करना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो उस एप्लीकेशन को। तो ये क्या करती है, इसमें आपको हजारों फीचर्स तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक फीचर्स मिलता है जिसमें कम से कम 100-200 के करीबन इफेक्ट होते हैं। और ये इफेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको अलग अलग ड्राइंग बनाकर देते हैं आपके फोटो के, जैसे कि आप स्केच बना सकते हो, रंगीन पेंटिंग बना सकते हो अपने फोटो के हिसाब से। आपको एक फोटो सेलेक्ट करना है और वो आपको एक स्केच या फिर पेंटिंग या किस तरह का कार्टून बनाकर आपको दे देगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो एक बार ट्राई जरूर करना, पसंद आएगा। अगर आपको कार्टून पसंद है या फिर आपको पेंटिंग या जो भी है आपको स्केच वगैरह पसंद है, तो एक बार ट्राई जरूर कर देना। दोस्तों नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है आफ्टर लाइट एप्लीकेशन। तो इसका क्या काम है, अगर आप नेचर में, जैसे कि आपके पैसे पेड़ फोड़ दे या फिर किसी गार्डन में आप फोटो क्लिक करते हो, तो आपके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसमें सिंपली एक काम होता है, आप अपने फोटो को एडजस्ट करते हो, एडजस्ट कर सकते हो कहाँ पर आपको ज़्यादा रंग दिखाना है, कहाँ पर आपको कम रंगीन करना है, या फिर आपको कितना अच्छा फोटो दिखाना है, या फिर कितने कैसे कैसे क्या करना है, वो सब कुछ आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फोटो को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप नेचर्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो, तो क्या क्या होता है कि जहाँ पर रंग गुलाबी रंग का हो उसको ज़्यादा कर देना है, नीले को भी हाई कर देना है, ऐसे आपको अपने बैकग्राउंड को, इस नेचर वाले बैकग्राउंड को, या फिर आपको छोड़ो नेचर का कोई फोटो खींचकर उसको एडिट करना चाहते हो, तो आप ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है आफ्टर लाइट। एक बार ट्राई जरूर करना मेरी मानो तो। दोस्तों फाइनली मैं जो एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें सब कुछ हो जाता है। कहने का मतलब, सब कुछ कहने का मतलब, इसमें कम से कम आपको 100-200-300 के करीबन इफेक्ट मिल जाए, जैसे आपके चौथे जैसे मूड वगैरह
मूड रहता है वर्म में, ऐसे बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं जो आपको अपने फोटो को अच्छा लगाते हैं। एंड इसमें आपको बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड तो चेंज फर्स्ट एप्लीकेशन में भी कर सकते थे जो कि फोटो एडिटर है उसमें भी कर सकते थे, लेकिन इसमें और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आपके फोटो को ऐसे इफेक्ट दे सकते हो जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो, या फिर आप एक बार ट्राई कर लेना। मैं अपने कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कोई बता नहीं सकता। इसमें आप एक एक और फीचर्स होता है, अपने फोटो पर आप खुद हाथ से ड्राइंग कर सकते हो, यानी कि आपकी हाथों से ही आप कुछ भी लिख सकते हो। टेक्स्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल लेना है, पेंसिल से आपको हाथ पर से ही अपने फोटो पर कुछ भी लिख सकते हो। एक बार जरूर ट्राई करना है, जिसका नाम है टूल विज फोटोज एडिटर। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, क्योंकि आज की वीडियो में यही था। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं।